पद्मश्री, प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य, प्रमुख हिंदुस्तानी गायक तथा ग्वालियर घराने के जल तरंग के प्रतिनिधि और दशकों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला का प्रदर्शन करने वाले उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्री मनोज वाजपेयी एक से बढ़कर एक भूमिकाओं को निभाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित महाराष्ट्र के महान अभिनेता श्री मनोज वाजपेयी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्री उद्धव कुमार भराली असम की धरती से जुड़े महान अन्वेषक जो अनार से दाने निकालने की मशीन समेत 100 से ज्यादा कृषि मशीनों का आविष्कार करने के कारण मशहूर हैं। श्री भराली को साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनोवेटिव योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर उमेश कुमार भारती खतरनाक बीमारी रेबीज के मौजूदा इलाज से 10 गुना सस्ता इलाज विकसित करने वाले हिमाचल प्रदेश के इपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश कुमार भारती को मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर भारती द्वारा विकसित इस इलाज विधि को विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रोटोकॉल के अंग के रूप में विश्व भर में स्वीकार किया गया है। श्री प्रीतम भरतवाण उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए श्री प्रीतम भरतवाण को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सुश्री फ्रीडेरी के इरीना ब्रूनिंग मथुरा में बीमार और मालिकों द्वारा छोड़ दी गई गायों की बीते 20 वर्षों से सेवा में जुटी जर्मनी की सुश्री फ्रीडेरी के इरीना ब्रूनिंग को पशु कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्री सैयद शब्बीर उर्फ छबू सैयद बुड़न महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाके मराठवाड़ा में बीते 50 वर्षों से गायों के संरक्षण का कार्य कर रहे और छबू सैयद बुड़न के उपनाम से मशहूर गौ सेवक श्री सैयद शब्बीर को पशु कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्री स्वपन चौधरी लखनऊ घराने के मशहूर तबला वादक पश्चिम बंगाल के श्री स्वपन चौधरी को संगीत कला के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्री कमल सिंह चौहान बेबी कॉर्न की ज्यादा लाभ देने वाली फसल को विकसित करने वाले हरियाणा के सोनीपत के ऑर्गेनिक किसान श्री कमल सिंह चौहान को कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्री सिरी वेन्नेल सीताराम शास्त्री चेम्बोलू 3000 से ज्यादा गीतों की रचना करने वाले तेलुगु के महानतम गीतकार श्री सिरी वेन्नेल सीताराम शास्त्री चेम्बोलू को कला के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्री सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन तेलंगाना के श्री सुनील छेत्री को खेलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। विश्व भर में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में श्री सुनील छेत्री का दूसरा स्थान है। श्रीमती चिन्ना पिल्लय तमिलनाडु की महिला किसान जिन्होंने अपने कलांजियम अभियान के जरिए माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की, इस अद्वितीय समाज सेवा के लिए श्रीमती चिन्ना पिल्लय को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्री दीनियार आर कॉन्ट्रैक्टर सुविख्यात पारसी गुजराती रंगमंच कलाकार तथा अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए मशहूर फिल्म अभिनेता महाराष्ट्र के श्री दीनियार आर कॉन्ट्रैक्टर को कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्रीमती एल बोम्बेल्या देवी
वर्ल्ड, एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन से कई मेडल्स की विजेता तथा एक दशक से ज्यादा समय से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली मणिपुर की धनुर्धर श्रीमती एल बोम्बेलिया देवी को खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्रीमती गोदावरी दत्त जापान में मधुबनी म्यूजियम की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाली बिहार की वरिष्ठ मधुबनी पेंटर श्रीमती गोदावरी दत्त को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्री गौतम गंभीर 15 साल तक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तथा सलामी बल्लेबाज दिल्ली के श्री गौतम गंभीर को खेलों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सुश्री द्रौपदी खिमिरे महिलाओं और दिव्यांगों के सशक्तिकरण के प्रति समर्पित सिक्किम की सुश्री द्रौपदी घिमिरे को समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।